नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नगर संग्राम का। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं प्राइम टीवी की टीम अपने खास कार्यक्रम को लेकर लखनऊ पहुंची है, जहां सुभाषपा प्रत्याशी अलका पांडे मौजूद हैं। बता दें कि सुभाषपा से मेयर प्रत्याशी अलका पांडे मौजूद हैं, जिनसे हम कुछ ही देर में जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या क्षेत्र के अहम मुद्दे हैं और अगर उन्हें जनता चुनकर भेजती है तो किन प्रमुख समस्याओं पर काम करते हुए नजर आएंगी, साथ ही क्षेत्र में कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है। तो अपने खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं अलका पांडे का। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। अलका जी, आप मेयर पद के लिए दावेदारी कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। अलका जी, आपको मेरी आवाज आ रही? नमस्कार जी। अलका जी, आप मेयर पद के लिए दावेदारी कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं लखनऊ को अपने स्वस्थ और स्वच्छ बनाना चाहती हूँ। सभी जनता से एक अनुरोध है कि एक बार मौका दें जी। अलका जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और ये भी बताएं कि आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। राजनीतिक जीवन के लिए मैं सोशल वर्क करती रही हूँ 15 सालों से, और राजनीति में ये मेरा पहला कदम है जी। क्योंकि यहाँ पे आज आने के बाद हमको मौका मिलेगा कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। तो अलका जी, आपको ऐसी क्या चीज प्रेरित की कि आप लोगों की जो सम... कि आपने मेयर पद के लिए दावेदारी की है जो कागजों पे तो है जी। जी हाँ, इसलिए दावेदारी की क्योंकि कई चीजें हैं जो हमारे नगर में केवल पेपरों पे हैं, कागजों पे हैं जी, उनको मैं धरातल पे लाना चाहती हूँ। अलका जी, हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है और क्यों है? मेरा मार्गदर्शक तो अभी कोई नहीं है, मैं खुद हूँ। क्योंकि अपनी जनता को देख के, हमारी जनता और हमारे अपने लोग शहरवासी, यही हमारे मार्गदर्शक हैं। अलका जी, आपके राजनीति के सफर में कौन कौन सी चुनौतियां आई? राजनीति में अभी मैंने पहला कदम रखा है तो मैं नहीं समझती हूँ कि अभी कोई चुनौतियां आई हैं, और अगर आती हैं तो उनका भी मैं डट के सामना करूंगी। अलका जी, आप सुभाषपा पार्टी से नाता रखती हैं, कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। एक जमीनी पार्टी है हमारी, सुहेल देव जी, भारतीय समाज पार्टी जी। इसमें सभी लोग जो है अपने अपने सभी वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित हैं, और उनकी जो समस्याएं हैं अन्य वर्गों की, हमारी अपनी, हमारे जनता के बीच में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैं देखती हूं और उन समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए ही मैं इस पद के लिए आई हूं। तो मेयर पद की आप दावेदारी कर रही हैं अलका जी, अभी अपने क्षेत्र में कौन सी बड़ी समस्याएं देख रही हैं? अभी तो अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ये है, नालियां, जो गंदगी है, जो कूड़ा है डंप कर दिया जाता है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह कर दिया जाता है, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। आवारा पशुओं की, जिनसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, और कई मुद्दे ऐसे हैं जैसे स्वच्छ पेयजल है हमारा, जगह जगह पे गर्मियां शुरू हो गई हैं लेकिन कहीं भी पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, और जिससे कि आम जनता परेशान हो रही है। ट्रैफिक में कई घंटों तक उलझे रहते हैं लोग, जिससे उनको अपने काम में जाने में देरी हो रही है, और जब देर हो रही है तो काम वो कैसे करेंगे फिर आगे जी।
तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है एक बार समर्थन कीजिए जी। अलका जी, जनता के बीच आप किस एजेंडे के साथ जा रही हैं, किस मुद्दे को लेकर जा रही हैं? हमारा है नगर निगम स्कूल जो काफी समय से बंद चल रहा है जी, मैं वो मुद्दा है हमारा। पशुओं के लिए बेहतर एक बनाना चाहिए, पशुशाला बनानी चाहिए जहाँ को जहाँ पे उनको रखा जाए, सड़कों पे ना टहलें, और जो डंप जो कूड़ा डंप किया जा रहा है जगह जगह, उनको उनके लिए एक सुनिश्चित स्थान किया जाए, बनाया जाए। तो अभी आप अपने कंपटीशन में किसे देख रही हैं अलका जी? आप सुभाषपा पार्टी से मैदान में उतरी हुई हैं, पार्टी में और भी कई लोग मैदान में उतरे हुए हैं, कंपटीशन में किसे देख रही हैं? कंपटीशन में मैं किसी को नहीं देख रही हूँ, कंपटीशन में मैं किसी को नहीं देख रही हूँ, और मुझे काम करना है, कंपटीशन नहीं। तो अभी अलका जी, आप अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाती होंगी, उनकी समस्याएं सुनती होंगी, अपनी बात रखती होंगी, तो कैसा समर्थन आपको मिल रहा है जनता का? बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग साथ जुड़ रहे हैं, और हमारी जो हम करना चाहते हैं वो समझ रहे हैं जी। तो ये सब देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ, लोग अपनी समस्याएं मुझसे कह रहे हैं, अपनी परेशानियां मुझसे खुद कह रहे हैं, और आगे भी मैं यही चाहूंगी कि वो आके अपनी समस्याएं मुझसे कहें जी, और जिससे मैं उनकी समस्याओं को सुलझा सकूं। अलका जी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर आपके क्षेत्र में कैसी समस्याएं हैं, और अगर जनता मौका देती है तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या आप काम करेंगी? देखिए, स्वास्थ्य को लेके हमारे यहाँ जो है हॉस्पिटल बनना, हर नगर में हर क्षेत्र में जो है हॉस्पिटल बनने चाहिए, छोटे छोटे क्लिनिक बनने चाहिए, जिससे कि लोगों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनको जो है एक अच्छा वो मिल जाएगा। और बच्चों के लिए, जो बच्चे आज भिक्षा मांग रहे हैं रोड पे, उनको मैं शिक्षित करना चाहती हूँ जी। अलका जी, अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले 5 ऐसे कौन से बड़े काम होंगे जो आप अपने क्षेत्र में कराना चाहेंगी? सबसे पहला काम मेरा है कि मेरा नगर लखनऊ स्वच्छ होगा और स्वस्थ होगा, सबसे पहला मेरा काम ये है। और दूसरा काम हमारा है कि जो बच्चे हैं, जो अशिक्षित हैं, उनको स्कूल, महिलाओं के लिए सुव्यवस्था करवाना, उनको उचित व्यवस्था देना, क्योंकि उनको ज्यादा परेशानियां हो रही हैं मार्केट में। और पटरी दुकानदार जो हैं, उनके लिए सुव्यवस्थित जगह सुनिश्चित करना। अलका जी, अभी जो मौजूदा मेयर रही हैं, और भी कई सारे समस्याएं हैं हमारे पास। अलका जी, जो अभी मौजूदा मेयर रही हैं, उनका काम आपको कैसा लगा, उनकी कार्यशैली को लेकर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं कई वार्डों में गई, वहां पे मैंने देखा कि केवल पत्थर लगे हुए थे और सबके नाम लिखे हुए हैं, तो मैं पत्थर नहीं लगवाना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ। तो बच्चों और महिलाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगे अलका जी आप? बच्चों और महिलाओं के लिए ही जो भी जितनी भी सुविधाएं हो सकेंगी वो मैं उनको प्रोवाइड करवाऊंगी, हर संभव प्रयास करूंगी कि उनको कभी भी हमारे नगर में, हमारे लखनऊ में कोई दिक्कत ना आए। आज के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कैसी विकास की गाथा लिखेंगी? आज के राजनीतिक राजनेता तो मैं हूं नहीं, लेकिन हाँ, ये देखती हूँ तो केवल पेपरों में ही दिखता है, बाकी मुझे सड़क पे या लोगों में नहीं दिख रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो सबके सामने आए और सब दिखे, सब सामने हो। अलका जी, मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी आप? बस यही कहना चाहूंगी
कि समस्त नगरवासी लखनऊवासी एक बार मुझे मौका दें जिससे कि मैं सबकी समस्याओं का निदान कर सकूं और अपने लखनऊ को बेहतर बना सकूं। तो अलका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आज नगर संग्राम में मुलाकात हुई राजधानी लखनऊ से सुभाजपा मेयर प्रत्याशी अलका पांडे से, जिनका कहना है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वो जनता की समस्याओं पर काम करेंगी। बता दें कि निकाय चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है, तैयारियों में जुटे हुए हैं। अभी के लिए नगर संग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।